ये वीडियो नारुटोपीडिया की मदद से बनाई गई है। ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। ये टेंटेल्स कंबाइंड फॉर्म है कागुया ओसुसुकी का गॉड ट्री के साथ, ताकि वो अपने बच्चों का चाकरा रीगेन कर सके। हागोरोमो और हामुरा चाकरा की शुरुआत इसी से हुई और जो सेज ऑफ द सिक्स पास के साथ हमेशा रहा। अपनी मां को हराने के बाद सेज टेंटेल्स का जिनचूरी की बन जाता है और फिर उसके चाकरा को डिवाइड करके 9 टेल बीस्ट बनाता है। हजारों सालों बाद इसे जिंदा करवाना मादारा और ओबितो उचिहा का लक्ष्य बन जाता है अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए। तो स्वागत है आपका दियामागी हिंदी में, मैं हूं सोरा संजू और आज हम बात करने वाले हैं टेंटेल्स के बारे में। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस के अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। दियामागी की रीच इस चैनल के अलावा भी है, तो अगर आप हमारे फैन हैं तो हमारे दूसरे चैनल्स को भी सब्सक्राइब जरूर करें और आप हमें दूसरे प्लेटफॉर्म्स में भी फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। बैकग्राउंड, हिडन विलेजेस बनने से पहले एक वक्त था जब इंसानों के बीच सिर्फ लड़ाइयां होती थी। गॉड ट्री, जिसे दैवीय माना जाता था, जो हजार सालों में एक चाकरा फ्रूट बनाता है, जिसे असल में ओसुसुकी ने प्लांट किया था इस मकसद के साथ कि वो इस प्लैनेट के सारे चाकरा को लेकर उनके लिए एक चाकरा फ्रूट हार्वेस्ट करे। हालांकि गॉड ट्री के फ्रूट को खाना मना था, पर प्रिंसेस कागुया ओसुसुकी उसे खा लेती है और उससे मिले पावर्स की मदद से वो इंसानों के बीच वॉर्स को खत्म कर देती है। कुछ वक्त बाद कागुया के दो बेटे होते हैं जिसके पास उसकी तरह चाकरा होते हैं। बाद में अपने बच्चों का चाकरा हासिल करने के लिए कागुया गॉड ट्री के साथ मिलकर टेंटेल्स बन जाती है और अपने ही बच्चों से लड़ती है। हालांकि कागुया के मोटिव्स को कोई नहीं समझ पाया, पर ये माना जाने लगा कि गॉड ट्री खुद वो मॉन्स्टर बन गया था ताकि वो कागुया से उसका चुराया हुआ चाकरा ले सके। लड़ाई करते हुए आखिर में हागोरोमो और हामुरा कागुया और टेंटेल्स को सील कर देते हैं, जो मून बन जाता है। उसका चाकरा सेपरेटली हागोरोमो अपने अंदर सील कर लेता है और उसका पहला जिनचूरी की बन जाता है, जिसके बाद हागोरोमो इंसानों के साथ अपनी नॉलेज और चाकरा को शेयर करने लगा, जिससे उसे सेज ऑफ द सिक्स पास का नाम मिला। ये समझने के बाद कि उसके मरने के बाद टेंटेल्स फिर से जिंदा होकर तबाही कर सकता है और सभी से चाकरा ले सकता है, हागोरोमो उसके चाकरा को क्रिएशन ऑफ ऑल थिंग्स टेक्निक से डिवाइड करके 9 टेल बीस्ट बनाता है। उन भाइयों को पता नहीं था कि कागुया ने सील होने से पहले ब्लैक जेसु को बनाया था खुद को रिवाइव करवाने के लिए, जो कई सालों तक इस कोशिश में लगा रहता है कि वो हागोरोमो के बेटे इंद्रा और आशुरा के चाकरा से रिनेगान को अवेक कर ले। ऐसा करने में वो कामयाब होता है और आखिर में इंद्रा का रीइंकार्नेशन मादारा उचिहा रिनेगान अवेक कर लेता है। अपने नए पावर से वो टेंटेल के हस्क को समन करता है और उसे डेमोनिक स्टैचू ऑफ द अटर पाथ का नाम देता है। मादारा प्लान बनाता है जिससे वो टेल बीस्ट और डेमोनिक स्टैचू को रियूनाइट करके उसे उसके ओरिजिनल फॉर्म में ले आए और टेंटेल्स की मदद से अपने आई ऑफ द मून प्लान को पूरा कर सके। फोर शिनोबी वर्ल्ड वॉर क्लाइमेक्स, ग्यूकी और कुरोमा के चाकरा के फ्रेगमेंट्स को पाने के बाद ओबितो बेनिहिसागो और कुहाकुनो जोहे को टेंटेल्स को जिंदा करने के लिए डेमोनिक स्टैचू के अंदर सील कर देता है। मादारा भी वहां आ जाता है। नारुतो और किलर भी एक जायंट टेल बीस्ट बॉल से डेमोनिक स्टैचू को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। अटैक के बाद कुछ देर के लिए स्टैचू का चाकरा वैनिश हो जाता है और फिर स्मोक हटते हुए टेंटेल्स इमर्ज होता है, जिसके बाद ओबितो डिक्लेयर करता है कि ये एंड ऑफ वर्ल्ड है। कंप्लीट रिवाइवल के बाद ओबितो और मादारा टेंटेल्स के ऊपर आ जाते हैं और खुद को उसके साथ कनेक्ट कर लेते हैं। ओबितो चाहता था कि टेंटेल्स को रिवाइव करने के तुरंत बाद ही वो इन्फिनिट सुकुयोमी को लॉन्च कर दे, पर मादारा उसके पावर्स को टेस्ट करना चाहता था। कुरोमा और ग्यूकी टेंटेल्स पर ढेर सारे टेल बीस्ट बॉल से अटैक करते हैं, जिसे वो अपने टेल से काउंटर कर देता है। डस्ट क्लियर होने के बाद नारुतो को शैडो क्लोन और काकाशी हाटाके को टेंटेल्स के ऊपर लॉन्च किया जाता है, जहां काकाशी ग्यूकी को रिलीज करता है, जो पॉइंट ब्लैंक रेंज से टेल बीस बॉल टेंटेल्स के आंखों पर फायर करता है, जिसे टेंटेल्स वापस उसकी तरफ भेज देता है। ओबितो और मादारा टेल बीस बॉल से अटैक करते हैं, पर वो मिस कर जाते हैं क्योंकि ओबितो कंट्रोल लूज कर रहा था। बैटल फील्ड मिस से घिर चुका था और सेंसरी स्किल जैम हो चुके थे। बाकी अलाइड फोर्सेस
भी वहां आ जाते हैं। अलायंस ढेर सारे टेक्निक से टेंटेल्स को पकड़ने की कोशिश करते हैं ताकि वो ओबितो और मादारा पर अटैक कर सके, पर वो ऐसा कर नहीं पाते क्योंकि टेंटेल्स अपने सेकंड फॉर्म में इवॉल्व होकर फ्री हो जाता है। ओबितो और मादारा मिलकर कुछ टाउन्स और अलाइड फोर्सेस के हेडक्वार्टर्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। हाशिरामा के सेल्स को यूज करते हुए वो कंट्रोल को और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और ओबितो टेंटेल्स के बॉडी से वुड रिलीज कटिंग टेक्निक से अटैक करता है जिससे कई शिनोबी मारे जाते हैं जैसे नेजी ह्यूगा, जिसके बाद टेंटेल्स की सूची के अर्थ रिलीज सैंडविच टेक्निक में पकड़ा जाता है। मादारा को इग्नोर करते हुए ओबितो अलाइड फोर्सेस को खत्म करने के लिए टेंटेल्स से टेल बीस्ट बॉल बनवाता है। उसके फायर करने से पहले किलर भी उस अटैक को टेंटेल्स के थ्रोट के अंदर भेज देता है जिससे टेंटेल्स कोलैप्स कर जाता है। नारुतो अपने और कुरमा के चक्रा को अलाइड फोर्सेस के साथ शेयर करता है जिसके बाद टेंटेल्स को नारा क्लैन रिस्ट्रेन कर लेते हैं। मादारा के पावर्स की मदद से टेंटेल्स रेजिस्ट करता है और फिर से अटैक करता है पर उसे फिर रोक लिया जाता है। टेंटेल्स अपने टेल से एक केज बनाता है। अलाइड फोर्सेस किसी तरह से बीस्ट के दो टेल्स को काट देते हैं नारुतो के रसन शुरिकन से और ओबितो और मादारा को टेंटेल से सेपरेट कर देते हैं, जिसके बाद टेंटेल्स टेनपाची से चारों तरफ तबाही करने लगता है। टेंटेल्स नारुतो के अंदर सेवन टेल बीस्ट के चक्रा को सेंस करता है जिससे उसे सेज ऑफ सिक्स पास की याद आती है, जिसके बाद वो और चक्रा गैदर करने लगता है जिससे वो और इवॉल्व हो जाता है। टेंटेल्स एक बड़ा फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर का टेल बीस्ट बॉल बनाता है जो एलाइड फोर्सेस के अर्थ बैरियर्स को आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है, पर मिनातो नामिकाजे टेल बीस बॉल को टेलीपोर्ट कर देता है। री इनकारनेटेड होकागे पोजीशन लेने के बाद टेंटेल्स को बैरियर के अंदर सील कर देते हैं और हाशिरामा उसे और रिस्ट्रेन कर देता है। टेंटेल्स अलाइड फोर्सेस से लड़ने और खुद को डिफेंड करने के लिए मिनिएचर क्लोन्स बनाता है। नारुतो और सास्के अपने समन्स की मदद से टेंटेल्स के क्लोन्स को पार करते हुए अपने अटैक्स विंड रिलीज, अल्ट्रा बिग बॉल रसेन शुरिकन और ब्लेज रिलीज, सुजनो कागुसुची को कंबाइन करके स्क्रॉच रिलीज, हालो, हरिकेन जेट ब्लैक, एरो स्टाइल जीरो से टेंटेल्स पर अटैक करते हैं। नारुतो और सास्के आर्गू करते हैं कि उन्हें टेंटेल्स से फायर को हटाना चाहिए या नहीं, तब तक टेंटेल्स अपने बर्निंग फ्लैश को रिमूव कर देता है। ओबितो उचिहा कामुई डायमेंशन से टेंटेल्स के ऊपर आता है। मादारा उसे सेंस कर लेता है और उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है खुद को रिवाइव करवाने के लिए। ओबितो उसे रेजिस्ट करते हुए टेंटेल्स को अपने अंदर सील कर लेता है और उसका दूसरा जिनचूरी की बन जाता है। बर्थ ऑफ द टेंटेल्स चिनचूरी की। ओबितो के बॉडी के अंदर टेंटेल्स ओबितो को साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन देता है उसके कंट्रोल को लूज करवाने के लिए, पर ओबितो किसी तरह से बीस्ट के पावर्स पर फुल कंट्रोल हासिल कर लेता है। ओबितो टेंटेल्स के बॉडी को सेपरेटली बाहर निकालता है और उसे एक बड़े से ट्री में ट्रांसफॉर्म करवाता है इन्फिनिट सुकुयोमी को कास्ट करने के लिए। वो ट्री अलाइड शिनोबी फोर्सेस के शिनोबीज का चक्रा एब्जॉर्ब करने लगता है उसके आई को ब्लूम करवाने के लिए। ओबितो अब भी सब पर भारी पड़ रहा था, पर नारुतो और सास्के के सेंजुत्सु एनहांस्ड अटैक से उसे दिक्कत होने लगती है, जिससे नारुतो, गारा और किलर भी ओबितो के अंदर से टेल बीस्ट के चक्रा को कनेक्ट करके अलाइड शिनोबी फोर्सेस के साथ मिलकर ओबितो के अंदर से सभी टेल बीस्ट को फ्री कर देते हैं, जिससे ट्री का डेवलपमेंट रुक जाता है। मादारा सभी टेल बीस्ट को फिर से डेमोनिक स्टैचू के अंदर रीसील कर देता है और टेंटेल्स फिर से जिंदा हो जाता है और फिर मादारा उसे अपने अंदर सील करके टेंटेल्स का तीसरा जिनचूरिकी बन जाता है। जब नारुतो सेज आर्ट लावा रिलीज रसन शुरिकन से ट्री को कट कर देता है, मादारा को आवाज सुनाई देती है जो उसे ट्री को एब्जॉर्ब करने कहती है और वो ऐसा ही करता है। कागुया ओसुसुकी स्ट्राइक्स। मादारा उचिहा इन्फिनिट सुकुयोमी को कास्ट कर देता है, जिसके बाद ब्लैक जेसु उसे पीछे से स्ट्रैप कर देता है और उससे इन्फिनिट सुकुयोमी में फंसे सभी लोगों के चक्रा को एब्जॉर्ब करवाता है और कागुया को वापस जिंदा करवा देता है। कागुया से लड़ते हुए नारुतो उसे सभी नाइन टेल बीस के चक्रा से बने अलग अलग रसन शुरिकन से अटैक करता है। कागुया के अंदर टेल बीस के चक्रा इससे रिएक्ट करते हैं, जिसके बाद कागुया एक रैबिट लाइक क्रिएचर में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। क्योंकि कागुया अपने कोर डायमेंशन में होती है, वो इन्फिनिट सुकुयोमी के विक्टिम्स के चक्रा को एब्जॉर्ब करके अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाती है। आखिर में कागुया टीम काकाशी से हार जाती है। नारुतो और सास्के उसे सील कर देते हैं। मादारा का बॉडी कागुया से अलग हो जाता है। वर्सेस मोमोशिकी आर्क।
15 साल बाद मोमोशिकी ओसुत्सुकी ग्यूकी के चाकरा को हासिल कर लेता है और अनदर वर्ल्ड में गॉड ट्री को बनाता है, जिसके कुछ वक्त बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाता है मोमोशिकी और किनशिकी के 5 कागेस के साथ लड़ाई के दौरान। तो दोस्तों, ये थी लाइफ 10 टेल्स की। वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसी और भी वीडियोस है चैनल पर, आप उन वीडियोस को भी जाकर देख सकते हो।